नमस्कार, एनवी न्यूज में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ राजकुमार शर्मा। हरियाणा में विधानसभा चुनावों की चौपाल सज चुकी है। नेता लोग गांव-गांव गली गली जाकर अपने मतदाताओं का दिल टटोल रहे हैं और उन्हें अपने पाले में करने की कोशिश कर रहे हैं। और इसी कड़ी में बात हरियाणा की, इस कार्यक्रम में आज हम मौजूद हैं बरोदा हल्का के गांव रामगढ़ में और यहां पे गांव की चौपाल सजी हुई है। जैसे आप देख रहे हैं बहुत से मौजूद लोग यहां पे बैठे हुए हैं गांव से, और इनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि मौजूदा चुनावों में यहां पे किस तरह का माहौल है, किस तरह से आंकते हैं उन नेताओं को जो इस बार चुनाव लड़ रहे हैं, मौजूदा सरकार जो है उसने कोई काम किए हैं नहीं किए हैं, कितनी तसल्ली है उनके किए हुए कामों से। नमस्कार। नमस्कार जी। नमस्कार। आपका नाम क्या है? मैं बलवान नंबरदार के नाम से। बलवान जी, ये बताइए कि चुनाव आ गए हैं, कुछ ही दिन बाकी बचे हैं, तो किस तरह का माहौल है यहाँ पे चुनावों को लेकर? मेरा गांव बिल्कुल 80% बीसी के लोग हैं यहाँ। मेरा गांव जैसे भी जिस 70 साल आजादी के हो चुके हैं, पहले कांग्रेस पर विश्वास करता रहा, भाई कांग्रेस भला करेगी, लेकिन कांग्रेस ने इस बैकवर्ड समाज को जो 52% लोग हैं उनको पिछड़ने का काम किया है। जिनके पास आज कोई भी सुविधा, कोई भी साधन, कोई भी MP, MLA, कोई भी मंत्री इनका नहीं बना है। ओरिजिनल बैकवर्ड BCA के लोग रहते हैं जी। और अब पिछली बार नारा लगाया मोदी जी ने, हक हम BCA परिवार से हैं, और उनके नारे के साथ हमें खुशी हुई कि BCA से कोई हमारा प्रधानमंत्री है। हमने चुनकर उनको पूरी की पूरी 10 की 30 सीट हरियाणा में और पूरा पूरा देश में उनका सम्मान किया और उनको वहां तक पहुंचाया। इस बार क्या माहौल है अभी? इस बार ऐसा है जी, हमने पूरी उम्मीद लगाई है और जो हमारे योगेश्वर दत्त जी यहाँ से उम्मीदवार हैं BJP से, मैं BJP का कार्यकर्ता हूँ, मैं भी लोगों से जाकर मिलता हूँ। लोगों के अंदर आशा है, इस बात की आशा है कि BJP पार्टी हमारा प्रधानमंत्री होते हुए भी हमको पूरा अधिकार क्यों नहीं मिल रहा। 52% लोग, हमारी 2% हिस्सेदारी, विधायक हमारे दो MLA टिकट मिले हैं हमने, BCA 45% के करीब हैं, BCA और BCB और BCA दोनों मिलाकर हम 56% लोग हो चुके हैं आज, लेकिन हमारी हिस्सेदारी बिल्कुल खत्म है। इस बात से पूरे लोग अतात हैं और वो अपना अब तक पूरा न्यूमन नहीं बना पाए हैं। हम जाओ तो कहाँ जाए, जो पार्टी ज्यादा न्यू देगी भाई, न्यू देखेंगे वे, अगर भाई इस पार्टी ने ज्यादा हमको MLA दिया है, मेरा मानना ऐसा है शायद वो वहां जाए। अब की बार उनका मन बन चुका है, अगर जिस पार्टी ने ज्यादा MLA हमको दिए है हम वहां जाएंगे। जिस पार्टी ने ज्यादा MLA दिए गए हैं, लोगों का कहना है कि शायद वो उस तरफ जाएंगे। आप युवा हैं, सरकार की अगर बात करते हैं, नौकरियों की बात होती है, सेहत की बात होती है, तो किस तरह से आंकते हैं मौजूदा सरकार का जो काम है? युवाओं को लेकर कुछ काम हुए हैं क्या? युवा को लेकर सर ऐसा है, जो मेरिट लिस्ट में आ जाते हैं बच्चा तो उसका तो ऑटोमेटिक काम हो जाता है। पहले ये था कि हमें 2-2 लाख 5-5 लाख रुपए रिश्वत देते थे, उस काम से तो पीछा छूट रहा है। अब जो मेरिट में आ जाता है बच्चा उसका सीधा काम हो जाता है, ठीक है। सुरक्षा की बात करते हैं, सेहत की बात करते हैं, शिक्षा की बात करते हैं, उस पे कुछ काम हुए हैं, कुछ सेटिस्फाइड है या क्या कहना चाहते हैं सरकार? शिक्षा भी ठीक है सर, ऐसी कोई बात नहीं, शिक्षा भी सही चल रही है BJP सरकार में, कोई दिक्कत नहीं है। ये है कि अच्छी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की योजना मोदी जी ने चलाई है, तो बेटी तो ठीक है लेकिन पढ़ाई भी अच्छी चल रही है, तो इसी के कारण BJP ठीक है सर, जहाँ तक भी है BJP ठीक है, कामों से संतुष्ट हैं लोग जो कह रहे हैं। बाबा जी, आप बताइए कि जो मौजूदा सरकार है उसके बारे में कुछ कहना चाहते हैं आप? हाँ बस जय है, ठीक है, ठीक सरकार है। आपका क्या मानना है कि सरकार ने कोई काम किए हैं गांव में, आपके कोई विकास के कार्य हुए हैं क्या? काम कुम तो कुछ किए नहीं, फिर वो ठीक से सरकार अगर काम नहीं हुए तो फिर सरकार क्यों ठीक है? नो ठीक से बढ़िया काम करने लग गई है, जो कर दिया गरीबान बचाव है। तो इस बार क्या माहौल है वोट देने वालों का? ये देखा है माहौल बबेरा नहीं है पूरा। आपको क्या लगता है, 5 साल जब होते हैं तो नेता लोग फिर एक बार निकलते हैं और गली गली घूमते हैं, लोगों के सामने हाथ जोड़ते हैं, बड़े बड़े वादे करते हैं, क्या ये वादे पूरे होते हैं गांव के लोगों के? किस चीज के जी? कामों के, कि तुम्हारे काम करेंगे हम। हर एक नेता आके कहता है कि तुम्हारे काम है जी, ये तो कहता है वे काम करेंगे, बाकी इस सरकार में जी कुछ काम हुए है जी, इस सरकार में कुछ काम हुए है मोदी की सरकार में। अच्छा। हाँ जी। तो
क्या आपको तसल्ली है जो काम किए हैं मोदी सरकार से, और इस बार क्या माहौल है मतदाता का? विभाग तो अगली बात करो जी, आगे पता लगेगा, बाकी पीछे वाली बात तो ठीक है हमारे लिए, ठीक है जी। आप बुजुर्ग हैं, बहुत सारी सरकारें आपने देखी होंगी, आप इसी गांव से हैं, इस गांव को बढ़ते पढ़ते फूलते आपने देखा होगा, क्या कुछ हुआ सुधार पिछले कुछ अरसे की अगर हम बात करें? बहुत कुछ सुधार हो गया जी, हमारे गांव तो ऐसा हो रहा था जोड़ था ना कुछ नहीं, मतलब सफाई खूब होगी गाँव की, मंदिर थे, स्कूल थे, परिस थे, मतलब पूरी सुविधा दिखा दी है इस सरकार में। चलो लियान वाला चाहिए हो रहा पिए, ये ना लिया होगा तो कोई बनेगा किस्त है, चलो महाराज जो प्रधान बन रहा है ठीक सुविधा कर दी। और मारा एक हमने पानी की समस्या तगड़ी रह रही है, जो हमारी पानी की समस्या और मिट जाना फिर हमने कोई तकलीफ ना है जो आदमी मान ले 200 रुपये की 400 रुपये की मजदूरी करे है और उसका आज 8,000 रुपये बिल आ रहा है तो कैसे भरेगा वो, किसी का 12,000 आ रहा है, मतलब ये बिल का समाधान जरूरी होना चाहिए यार, मीटर सारे बाहर काट दिए मेरे। आमदनी कम है गांव में लोगों की, लेकिन बिजली के बिलों को लेकर शिकायत है कि इतने भारी भरकम जो बिल आ रहे हैं उसका भुगतान आखिर कैसे किया जाए? आप लोग युवा हैं, पढ़ लिख के हर बच्चा एक नौकरी की तलाश में होता है ताकि अपने परिवार का सहारा बन सके, आपको क्या लगता है कि सरकार जो है, मौजूदा सरकार जो है, नौकरियों को लेकर कुछ अच्छे काम कर रही है? हाँ जी, कर रही है, बिल्कुल कर रही है। पहले तो जी पैसे देख लगना पड़ा था, 5-10 लाख रुपए दे गए, और आज के दिन टेस्ट करो और अपना सिलेक्शन ले लो। यू काम सरकार ने बढ़िया कर रखा है जी युवाओं के लिए। वोट बना है आपका? हाँ बन रहा है जी। तो क्या लगता है इस बार मतदाता किस तरह के नेता को चुनना चाहते हैं? नेता ही चुनेंगे जी जो सारे बड़का ना रोजगार देवे, ठीक है जी, SC/BC के बारे में सोचे बढ़िया, उनके काम करे जी, उसने देवेंगे जी। ऐसा नेता चुनना चाहते हैं जो सब लोगों के बारे में सोचे बिना किसी भेदभाव के। आप मुझे बताइए कि जो पिछले 5 साल से सरकार सत्ता में है बीजेपी के है, अभी दोबारा से फिर इलेक्शन हो गए हैं, वादे फिर हो रहे हैं, कितने सेटिस्फाइड हैं, क्या सरकारें काम करती हैं? नहीं सर, हम इस सरकार से इतना सेटिस्फाइड नहीं है। आम जनता ही बात करे, आम मेजोरिटी बात करें, कुछ लोगों में रोष भी है, जैसे बिल को लेके, चलान को लेके, ठीक है, कुछ थोड़ा सा आपाधापी बनी हुई लोगों में, अभी तक पूरा यू नहीं बना पाए रहे मन के भी हम इस सरकार के साथ चले या ना चले। कुछ % बीजेपी कह रही थी भाई हम 75 पार का नारा लगाएंगे करेंगे पार, मेरे को तो लग नहीं रहा है पार हो जाएगी इस तरह से, क्योंकि लोगों में रोष काफी प्रकट हो रहा है। वो कारण है, कई कारण है, जैसे भाई बताया मैंने आपको, बिल ज्यादा आ रहे हैं, बार बिल लगाए गए, गरीब आदमी जो 200 रुपये की दिहाड़ी नहीं कर पाता उसके 5-5 हज़ार रुपये बिल आ रहे हैं, एक 5,000 रुपये की बाइक लेने वाला आदमी उसका 20,000 रुपया चलान कट जाता है, आम पब्लिक गरीब आदमी कहाँ जाएगा, ठीक है सर। एक ये मारे या कुछ अके मारे जा रहे हैं, कुछ बैकवर्ड क्लास के कुछ, ठीक है, उन लोगों को लेकर लोगों में रोष है, कुछ लोग बदलाव चाह रहे हैं भाई, जैसे बदलाव हमारी मांगे पूरी हों, इस प्रकार से लोगों में अभी पूरा ये नहीं है कि भाई वो इस सरकार से अभी खुश नहीं है कुछ लोग। किस तरह का एक शिकायत है और क्या कहना चाहते हैं मौजूदा सरकार से या मौजूदा आने वाले नेता से? आप मौजूदा सरकार से ये है, जैसे मौजूदा सरकार ने जैसे पहले वायदे किए थे उन पर खुरा नहीं उतर पाई पूरी तरह से, अभी भी लोगों में बदलाव चाहते हैं लोग, मतलब जो वायदे किए थे उस हिसाब से पूरा नहीं कर पाई सरकार, अब भी और वायदे हो रहे हैं, जैसे वायदा पूरा कर पाए या नहीं कर पाए उसके हिसाब से कैसे रहेगी ये तो आने वाला समय बताएगा जी। चुनावी वादे हो रहे हैं लेकिन जिस तरह से ये बता रहे हैं कि पूरे नहीं होते हैं और सारे वादे पूरे नहीं हुए हैं, यहाँ पे कुछ लोग हैं इनसे भी बात करते हैं। ये आपको क्या लगता है कि जो सरकार है अभी दोबारा से फिर चुनाव आ गए हैं तो किस तरह का माहौल है यहाँ पे गांव में? माहौल जी एक तो बिल, अरे कि ये हमारा पानी नहीं है, ठीक साहब, ये जरूरी है हमें। तो किस तरह का नेता इस बार चाहते हैं आपकी चुनके? लेकिन ये ठीक करेगा तो बस नेता चुनेंगे, लेकिन अगर ठीक करेंगे। आपको क्या लगता है कि सरकारें आती हैं काम करती हैं वादे करती हैं, सर काम होते हैं कि नहीं होते हैं? काम होते हैं, हमारी इसी सरकार से ये रिक्वेस्ट थी, सोच थी हमारी कि कुछ देश में चेंजिंग होगी, हम मोदी जी को नमस्कार करते हैं, उन्होंने बहुत कुछ किया है, बट नीचे जो हरियाणा सरकार है इससे शिकायतें इतनी ज्यादा हैं कि बहुत ज्यादा, क्यों, क्योंकि गरीब के लिए कुछ भी नहीं किया इन्होंने, ठीक है, हमारे सरपंच जी हैं रविंदर जी वो रुपया लेके आए हैं, ठीक है, उन्होंने खुद कर दिया काम, फिर सरकार ने गरीब बच्चों के लिए SC/BC इनके लिए कुछ नहीं किया है,
जैसे अभी ये चौकीदार की नौकरी थी, ये मान के चलो जी जेबीटी वाला बंदा इसको मान ले वो भी क्लियर नहीं कर सकता था, और ये चौकीदार की मान ले जो पेपर दिया इन्होंने उसमें मान ले बहुत ही सारी शिकायतें हैं। जेबीटी वाला बंदा जो चौकीदार लगेगा तो क्या होगा था इसका भविष्य का, वो तो ये मान के चलो कि सरकार तो बिल्कुल गई, 75 पार तो मतलब ही नहीं है। हम अपना ये सभी युवा साथियों से यही एक प्रचार करना चाहते हैं भाइयों, नोट फॉर मोदी को वोट नहीं, अब नहीं है, हमें वो सरकार चाहिए जो गरीब की सुनाई करे और गरीब बच्चों का साथ दे और गरीबों के साथ रहे, गरीबों के काम कराए, बच्चे लगाए गरीबों के। हमें वो सरकार चाहिए जो गरीबों के आम जन की आवाज सुने और उनके काम करे। ये आप बताइए, मैं जैसे युवाओं की हम बात कर रहे हैं, शिक्षा की बात करते हैं, सेहत की बात करते हैं, नौकरियों की बात करते हैं, आपको क्या लगता है मौजूदा सरकार कुछ ये जो नेता है ये अच्छे काम कर रही है? नहीं नहीं, वो बात नहीं है, जो नहीं होनी चाहिए। तो अब की बार हम अपनी सरकार बनाएंगे, ऐसी हमें जो मोदी से उम्मीद थी वो नहीं रही, तो ऊपर तो ठीक है जो कुछ है, नीचे वो बात नहीं है, जो नहीं होनी चाहिए। तो बोल के कुछ जाते हैं करते और कुछ है, अब आते हैं फिर आके देखते नहीं, ये अच्छा नहीं है। किस तरह की उम्मीदें थी मौजूदा सरकार से या मोदी साहब से जो पूरी नहीं हुई, जिनको लेकर शिकायत है, और क्या कहना चाहते हो सरकार से अब आप? अब तो क्या कहना है, अब तो हम मोदी की वोट नहीं देंगे, कोई अच्छी सरकार बनाएंगे जो हमें अच्छी लगेगी, जो सोचा था हमें नौकरी देगी, रोजगार देगी, गरीब बच्चों को, बीसी को, एबीसी को, वो बात नहीं है फिर। तो ये थी रामगढ़ के लोगों की राय, इनका मानना है कि सरकार से नाराजगी भी है, लेकिन कुछ लोग और हैं, इनसे हम बात करते हैं। आप बात करना चाहेंगे? आप मुझे बताइए शॉर्टकट में छोटे कि क्या क्या शिकायतें हैं और सरकार से क्या कहना चाहते हैं आप? सरकारी स्कूलों में बिल्कुल पढ़ाई जीरो है, 70 साल की आबादी की बात, हम जब सरकारी स्कूल में पढ़ाई की व्यवस्था नहीं कर पाई कोई सी भी सरकार, तो ये दोनों सरकारें एक सिक्के के दो पहलू हैं, ये गरीब लोगों को ऊपर नहीं उठाना चाहती सरकार। लेकिन कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि मौजूदा सरकार में काम हुए, शिक्षा पे ऊपर भी काम हुए, उसको लेके क्या कहते हैं? शिक्षा के ऊपर नाम बड़ी बड़ी लाइनें लिख देने से काम नहीं होते जी, जब धरातल पर काम होते ना वो काम दिखते हैं। आज भी बलात्कार हो रहे हैं, आज भी लोग मारे जा रहे हैं, गरीब लोगों के पास आज भी अत्याचार हो रहे हैं, वो नीचे धरातल पर अगर सरकार देखे उसमें थाने में ट्राई कर लो आप कहीं भी, आज लूट यूं की यूं चल रही है, जैसे कांग्रेस की सरकार में थी आज बीजेपी की सरकार में भी ऐसे ही चल रही है, एक दिखावे के लिए थोड़ा ही है बिल्कुल। जो कल रख की भर्ती थी उसका मैं घर दावे के साथ कहता हूँ, जो प्रोफेसर लेवल का व्यक्ति है ना वो उसको क्लियर नहीं कर सकता था, ऐसा टाइट पेपर था। अगर आज मोदी जी तो बहुत पढ़े लिखे हैं, अगर उनके सामने भी रख दिया जाए ना वो पेपर, वो क्लियर नहीं कर सकते उस पेपर को, ऐसा पेपर था जी। क्या कहना चाहते हो सरकार से? तो जब पेपर किसी का पास नहीं होगा तो उनके अपने मन चाहे बच्चे लगेंगे, हमारा अपने आप रह जाएगा, वो पैसे के लिए हो गया, इतना तकड़ा पेपर हो अपने बच्चे संतुष्ट हो जाए, मेरे से पार नहीं हुआ और वो अपने आप लग जाए, बच्चे ये सोचते रह जाए उनका पार हो गया होगा। लेकिन लोग तो ये कह रहे हैं कि नौकरियों का जो सिस्टम पहले से चल रहा था, जो पर्ची खर्ची की बात कर रहे थे, वो अब नहीं है और नौकरियां मिल रही है। पर्ची खर्ची चलती है, ऊपर नीचे से चलती है जी, हमें कौन पता, हम बीसी के लोग हैं, हमारा कोई नेता नहीं, हमारा कोई सुनने वाला नहीं, हमें कौन बताएगा, हमारा बिल्कुल पूरा बीसीए गांव है, हमारा एक लड़का वो भी स्कूल में चपरासी लग गया है, बीए एमए लड़के हमारे नहीं लगा कोई। तो जी पढ़ाई की व्यवस्था, आज मोटरसाइकिल पे ले हुए, मोटरसाइकिल चलाना दुर्लभ हो चुका है, हम बिजली पे ले हुए, बिजली के मीटर हमने एक सरकार के एक ही सारे पर 12 मीटर लगवा दिए, 2 महीने बिल ठीक आया, आज लोगों की या वो है एक एक दो दो महीने का बिल 6,500 रुपए है, जिस परिवार की महीने की कमाई 4,000-5,000 रुपए है, मजदूरी करते हैं कपास चुके लेते हैं 200-150 रुपए मजदूरी बनती है, और उसका 6,000-7,000 रुपए बिल आओगे तो बिल में रह जाएंगे, उसके बच्चे भूखे मरने का काम हो गया। तो ये रामगढ़ के लोगों की राय है, यहाँ पे कुछ लोगों का ये जहाँ मानना है कि सरकार जो है, मौजूदा सरकार जो है उसने काम किए, वहीं कुछ लोगों को ये शिकायत भी है कि वो सरकार के काम से उनको तसल्ली नहीं है, वो पूरे काम सरकार ने नहीं किए हैं, बिजली के बिलों की बात हो या फिर गाड़ियों के चालान की बात हो, इन पे शिकायत है और सरकार से खफा है।